हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज देखते हैं रंगटन सीरीज पार्ट 6 लास्ट रिजोर्ट की एक्सप्लेनेशन, जो कि रिलीज हुआ था 2014 में और इसका डायरेक्टर थे वैलेरी मिलेव। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक लड़का और लड़की को बाइसाइकिल राइडिंग करते हुए देखते हैं। थ्री फिंगर इन लोगों को छिपकर फॉलो कर रहा होता है। थ्री फिंगर कौन है आपको याद तो होगा, यही तो वो कैरेक्टर है जो रंगटन सीरीज को हमेशा थ्रिलिंग और चिलिंग बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं। थ्री फिंगर ने एक सही मौका देख के एक तीर पे उस लड़के के ऊपर हमला करता है और वो लड़का धड़ाक से जमीन पे गिर पड़ता है। जब वो लड़की उसे उठाने के लिए आती है तभी थ्री फिंगर ने एक दूसरा तीर मार के उस लड़के के मुंह के आर पार कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। परेशानी में घबराई हुई वो लड़की वहां से भागने लगती है। बहुत स्पीड पे साइकिल भगाते भगाते वो एक नुकीली तार पे फंस जाती है और वो नुकीली तार उसके चेहरे को आग के बीच में से काट के उसके अंदर फंस जाती है। सॉटूथ और वानाई ने उस तार को खींच के उस लड़की को जमीन से ऊपर उठाते हैं और वो थ्री फिंगर यहाँ पे आके उस लड़की की सर को उसकी शरीर से अलग कर देता है। और मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं डैनी और टोनी को, जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। उन लोगों ने जाके एक बहुत बड़ा और वीरान सा होटल के पास पहुंचते हैं जहां से इन लोगों को इनवाइट किया गया था। इसके बाद हम सेली और जैक्सन नाम के दो कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इन लोगों को वहां पे वेलकम करते हैं। डैनी के साथ उसके दोस्तों को देख के इन दोनों ने थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को लगता था डैनी अकेला आएगा। उसके अगले सीन में हम एग्नेस फील्ड नाम की एक बूढ़ी औरत को उस होटल से चेकआउट करते हुए देखते हैं और फटाक से एक कुल्हाड़ी आके उसके गले पे लगता है। जैक्सन वहां पे आके उसकी सर को मरोड़ के उसको जान से मार देता है। और दोस्तों, आपको सुन के अजीब लगेगा कि इस होटल से चेकआउट का तरीका सिर्फ यही है। और उसके बाद जैक्सन जंगल पे जाता है उन तीनों म्यूटेंट थ्री फिंगर वानाई शॉर्टरूथ को मिलने के लिए, जो कि इसके सिबलिंग्स थे और सेली भी इन लोगों का बहन है। इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को यहाँ पे इनवाइट करके उन लोगों का कत्ल करके उनको खा जाते हैं। डैनी के कुछ दोस्त वहाँ पे नजदीक के एक मार्केट पे शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों का नजर एक बोर्ड पे पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे मिसिंग लोगों का फोटो लगाया गया होता है। और उस वक्त वहाँ पे एक शरीफ नाम का पुलिस वाला आता है जो कि उस बूढ़ी औरत एग्नेस की फोटो उस मिसिंग बोर्ड पे लगा के चला जाता है। होटल के अंदर बहुत सारे एंटीक और पुराने चीजों को डैनी के दोस्तों ने देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। उस तरफ जैक्सन डैनी को कुछ बहुत ही अनोखे और अजीब किस्म के हथियार दिखा रहा था जो कि डैनी को बहुत कूल लगता है और वो एंजॉय करने लगता है क्योंकि वो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बोर हो गया था। जैक्सन डैनी को जंगल पे ले जाता है शिकार सिखाने के लिए। इस तरफ इन लोगों ने एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं और उस तरफ थ्री फिंगर ने शरीफ का शिकार कर रहा होता है। असल में जैक्सन डैनी को हिरन का शिकार नहीं, इंसान को शिकार करने की गुण सिखा रहा था जो कि उसका प्री प्लान का एक हिस्सा था। और हिरन को शिकार करके डैनी को भी बहुत मजा आने लगता है क्योंकि वो अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह की थ्रिलिंग काम कभी नहीं किया था। उस तरफ हम देखते हैं डैनी के दोस्तों ने बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि डैनी उन लोगों को बता के नहीं गया था। और डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी उसके एक दोस्त को भेजता है डैनी को ढूंढ के लाने के लिए। उसका दोस्त जब जंगल की ओर डैनी को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि शॉर्टटूथ एक मरे हुए हिरन की मंचा मांस को खा रहा होता है और वो नजारा देख के वो घबराते हुए भाग के डैनी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते और एक ढलान पे गिरते हुए जाके उस नुकीली तार पे टकरा के जख्मी हो जाते हैं। जैक्सन यहाँ पे आके मदद करते हुए इन दोनों को उस होटल पे पहुंचा देता है। जैक्सन का बहन सेली, जो कि इस होटल का सेकंड केयरटेकर होता है, डैनी का खून साफ करके उसका मरहम पट्टी कर देता है और वो वहाँ पे उसे अकेला पाकर सेड्यूस करने लगता है। उस वक्त डैनी का गर्लफ्रेंड टोनी वहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर सेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह हम डैनी को वॉशरूम पे देखते हैं जो कि अपने सारे मेडिसिन को फ्लश कर देता है। और आपको बता दूं, डैनी एक हाइपरटेंशन का मरीज था जो कि अपने काम के टेंशन की वजह से समय समय पे मेडिसिन लिया करता था और उसे अब लगने लगता है कि उसे अब किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और डिनर के वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि ये रिजोर्ट अब उसे बहुत पसंद आने लगा है, इसे वो छोड़ के नहीं जाना चाहता है और यहीं पे वो सेटल होना चाहता है। डैनी के दो दोस्त ब्रायन और जिलियन बहुत ज्यादा लालची होने की वजह से उस होटल के बहुत सारे एंटीक और महंगी चीजों को चुरा के वहां से ले जाना चाहते थे। उन दोनों ने और ज्यादा चीजें ढूंढते ढूंढते एक सीक्रेट बेसमेंट पे पहुंच जाते हैं और ये जगह इन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि इन दोनों ने यहाँ पे फिजिकली इंटीमेट होने लगते हैं। और सेली इन दोनों को इंटरकोर्स करते हुए देख के खुद ही मास्टरबेट करने लगती है। तभी वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स ने वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उन तीनों में से एक म्यूटेंट ने ब्रायन के सर पे मर के उसे बेहोश कर देता है। फिर इन तीनों ने बड़े दर्दनाक तरीके से जिलियन का हाथ पैर उखड़ के उसे वहीं पे खत्म कर देते हैं।
फिर जब वो ब्रायन को मारने के लिए आते हैं तब इन लोगों का बहन सेलिया आके इन लोगों को रोकता है और ब्रायन को अपने बेडरूम पे ले जाके वहाँ पे उसको घायल हालत में सेड्यूस करके उसे मार डालती है। और उस तरफ हम देखते हैं डैनी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ गया है। वो पहले की तरह हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं लेता है और वो पहले की तरह अब दुखी नहीं है। उसके बाद सेली और जैक्सन ने अपने फैमिली के साथ डैनी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जिसे डैनी राजी हो जाता है। फिर उसी रात को उन दोनों भाई बहन ने डैनी को लेके जंगल के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव पे पहुंचते हैं, जहां पे बहुत सारा अजीबोगरीब डिफॉर्म लोग रहते हैं और वहां पे वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स थ्री फिंगर सॉ टूथ और वन आई होते हैं। और वहां पे हम देखते हैं जैक्सन डैनी को अपनी सिस्टर सेली से शादी करके उसके जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। उस वक्त डैनी का एक दोस्त उसे फॉलो करते हुए आके वहां पे छिपके उन लोगों का बात सुन रहा होता है और सडनली उस वक्त सॉटूथ ने उसके पीछे से आके उसे पकड़ के उल्टा लटका देता है और वो डैनी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें कहो वो मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी अपने दोस्त की एक भी नहीं सुनता है। फिर थ्री फिंगर आके एक चाकू पे इसका गला काट देता है, जिसे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वहां पे प्रेजेंट सारे के सारे म्यूटेंट लोग एक छोटा छोटा कटोरी लेके उस बहते हुए खून को कलेक्ट करके पीने लगते हैं और एक खून का कटोरी डैनी को भी लाके ऑफर किया जाता है और उसने उसका दोस्त के खून को पीने लगता है। फिर उन लोगों ने डैनी को कुछ नशीली पदार्थ पिला देते हैं। फिर क्या, फिर सेली डैनी को सेड्यूस करके वहाँ पे सबके सामने ही दोनों इंटरकोर्स करने लगते हैं। दोस्तों ये सीन देख के आपको लगेगा यहाँ पे हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। और अगले दिन सुबह डैनी को होटल पे वापस देख के उसका गर्लफ्रेंड टोनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उन लोगों ने मिलकर डैनी को रिक्वेस्ट करते हैं वापस शहर में चले जाने के लिए। और फिर डैनी उसके दोस्तों को बोलता है तुम सब लोगों ने वापस चले जाओ लेकिन मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। और फिर डैनी को छोड़ के सारे लोग वापस जाने के लिए फैसला करके किचन में जाते हैं और उन लोगों ने वहाँ पे कुछ देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे देखते हैं जैक्सन जो कि उनका केयर टेकर था वो इंसानी मांस को काट के फ्राई करके उसे खा रहा होता है। फिर उन लोगों ने वहां से जब डर के मारे भागने लगते हैं तब उन म्यूटेंट ब्रदर्स ने उन लोगों को फॉलो करते हुए इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं पहले कुछ लोगों ने म्यूटेंट्स की नजरों के सामने से बच निकलने में सफल रहते हैं पर उन लोगों के एक दोस्त चार्ली वहां पे पकड़ा जाता है। तब उन म्यूटेंट ब्रदर्स ने उसके मुंह पे एक वाटर पंप लगा के उसके पेट में बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं। उसके मुंह में इतना ज्यादा पानी भरा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर से उसका पेट धड़ाक से फट जाता है। और उस तरफ हम देखते हैं भागते हुए एक लड़के का पैर एक डियर ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स ने वहां पे पहुंच के उसका मजाक उड़ाते हुए उसके सर में एक धारदार चाकू मार के उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अपने बॉयफ्रेंड डैनी को ढूंढते हुए टोनी उस वेपन वाला कमरे में पहुंच जाता है जहां से वो एक गन उठा लेता है और उस वक्त सेली उसके सामने आ जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झड़प होता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। फिर टोनी सेली को एक गोली मार देता है और ठीक उसी वक्त डैनी भी वहां पे पहुंच के सबसे पहले उसका गर्लफ्रेंड टोनी से गन छुड़ा लेता है और उसे वो वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। फिर वो जाके जमीन पे घायल पड़े हुए सेली को उठाने लगता है। जब टोनी वहां से भाग रहा होता है उस होटल का दूसरा केयरटेकर जैक्सन उसके पीछे पड़ जाता है। फिर इन दोनों की लड़ाई में टोनी एक चाबी के जरिए जैक्सन की आंखों पे बड़ी बेरहमी से हमला करते हुए उसे मार देता है। और फिर क्या, डैनी वहां पे गन लेके पहुंच जाता है और वो अब नहीं चाहता है कि टोनी यहां से बच के निकल पाए। फिर हम देखते हैं डैनी अपने गर्लफ्रेंड टोनी और अपनी म्यूटेंट फैमिली में से अपने फैमिली को चुनता है और वो तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स ने टोनी का वहां पे कत्ल कर देते हैं और फिर थ्री फिंगर टोनी के पीछे से उसे वार करके उसे जान से मार देता है। और फिर मूवी के आखिरी भाग में हम देखते हैं कहानी कुछ दिनों की बात की है। डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहां पे आने वाले बहुत सारे लोगों को वो वहां पे वेलकम करता है और फिर जैसे कि हमने देखा इस होटल के आड़ में डैनी और इसकी म्यूटेंट फैमिली ने इंसानों को मार के उन लोगों का बॉडी पार्ट से अपना खाना बनाते हैं और यहीं पे हम देखते हैं रॉन्गटन 6 लास्ट रिजॉर्ट की एंड होता हुआ। तो दोस्तों ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं रंगटन के अलावा और दूसरे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मूवीज का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं।